देवेंद्र फडणवीस को नागपुर के लिए कलंक बताकर उद्धव ठाकरे बुरे फंस गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के फडणवीस को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के विरोध में जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़े, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बयान को निंदाजनक बताया है। वहीं खुद का विरोध होते और खुद को घिरता देख उद्धव ठाकरे को सफाई देनी पड़ी। महाराष्ट्र सरकार में आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं। इस विस्तार में शिवसेना और बीजेपी के साथ साथ मंत्री शपथ ले सकते हैं और ये जानकारी खुद शिवसेना के नेता भरत गोगावले ने दी है। इस विस्तार के साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों की संख्या 43 हो जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों ही एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार के साथ 8 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। मुंबई से मीरा भयंदर को जोड़ने वाले एलिवेटेड लिंक रोड को बनाने में 3 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जिस सफर को पूरा करने में 45 मिनट का समय लगता था, खुशखबरी ये है कि उसके लिए सिर्फ 10 मिनट लगा करेंगे। बीएमसी को उम्मीद है कि 2026 तक इस एलिवेटेड लिंक रोड का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 3,183 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुंबई की एक अदालत ने पति से अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने के सिलसिले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पत्नी के अलावा पति को घर के 3 कुत्तों के लिए भी गुजारा भत्ता देना होगा, क्योंकि पत्नी ने अपनी याचिका में कहा था कि सेपरेशन के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसके घर के 3 कुत्ते भी उन पर ही निर्भर है। अदालत ने पति को 50,000 रुपया हर महीने मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नए मंत्रियों को दफ्तर बांट दिए गए हैं, लेकिन डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को अभी कोई दफ्तर नहीं दिया गया है। दरअसल अजीत पवार मंत्रालय में कमरा नंबर 602 को लेने में कतरा रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय की 6 मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 602 को कई राजनेता अशुभ मानते हैं। खुद अजीत पवार का मानना है कि इस केबिन में काम करने वाले मंत्री को कभी प्रमोशन नहीं मिला और उसके राजनीतिक जीवन में भी कई किस्म की मुश्किलें आई हैं।